कि इस प्रतियोगिता की पहली बॉल की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया की टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और जो विधायक गण है उनकी टीम फील्डिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि मंत्री अशोक चांदना विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, तो वहीं पहला ओवर मंत्री टीकाराम जूली फेंकने जा रहे हैं। पहली बॉल की शुरुआत हो चुकी है, 12-12 ओवर का ये मैच है और जो विधानसभा का जो बजट सत्र होता है उस दौरान जो क्रिकेट मैच खेला जाता है उसका एक अलग ही रोमांच है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की टीमें हिस्सा लेती हैं। इस बार इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही है, विधायक गण है, मीडिया है, आरएएस है, आईपीएस है, नगर निगम है, इसके अलावा जो अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण है उनके टीमें भी इसमें हिस्सा ले रही है। अगर बात करें विधायक गण की टीम की तो विधायक गण की टीम की ओर से वेद प्रकाश, मंत्री टीकाराम जूली, मंजू चौधरी, मंत्री अशोक चांदना, रफी खान, राजकुमार, गोपीचंद मीणा, रोहित बोहरा, छगन पुरोहित, गोपाल मीणा और बलवान पुनिया मैदान में उतरे हुए हैं। और यहां पर जो मैच देखने वाले लोग हैं वे मैच देखने भी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जो आरसीए के सचिव हैं महेंद्र जी, वह भी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज मैच की शुरुआत हुई है, किस तरह के ये मैच है, कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? इस पूरे टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही है और ये विधानसभा जो सत्र है, बजट सत्र, उसके दौरान पिछले वर्षों से शुरू किया गया है। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और अशोक जी चांदना जी जो कि खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, वो उनके और अच्छे प्रयासों से, पहले शायद कम टीमें होती थी पर इस बार 8 टीमें करके दो लीग करके कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और एक विधायक जब इस मैदानों पर आएंगे तो खेल को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। राजस्थान खेल परिषद के सचिव महेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, हर साल ये मैच होता है, पहली बार आप इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हर बजट सत्र के दौरान ये मैत्री मैच खेले जाते हैं, उसी कड़ी में आज जो पहला मैच है विधायक गण और मीडिया के बीच हो रहा है और दो ग्रुप हैं उनमें 4-4 टीमें हैं, 8 टीमें कुल और ये सभी लीग मैच होंगे और निश्चित रूप से खिलाड़ियों को और मैसेज जाएगा, प्रोत्साहन मिलेगा। खिलाड़ियों को एक मैसेज जाएगा, चार टीमों के दो ग्रुप बनाए गए हैं और हमारे जो मीडिया के साथी हैं वह बिल्कुल पैड वैड बांध के तैयार हैं, क्योंकि विधायक गण पहले फील्डिंग कर रहे हैं और जो मीडिया की टीम है वह बैटिंग कर रही है। खेल का जो लुत्फ है वह यहाँ पर उठाया जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ जो मैच है आप देख सकते हैं कि जो मीडिया 11 की टीम है वह पूरी तरीके से यहाँ पर जो खेल है उसका लुत्फ उठा रही है। हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं कि जो कमेंट्री है वह भी यहाँ पर बहुत मायने रखती है। मेरे साथ शशि मोहन जी मौजूद है, मैं शशि जी से बात करूंगा। शशि जी, हर साल ये परंपरागत मैच होता है, क्या लुत्फ है इस मैच का? देखिए, विधायकों की कवरेज सदन में हमेशा होती है, चाहे बजट सत्र हो, चाहे साल का जो दूसरा सत्र होता है वो हो, लेकिन एक कॉर्डियल रिलेशन होते हैं, एक अनौपचारिक संवाद होता है इस दौरान। और ललित, आपने देखा है कि बरसों पुरानी ये परंपरा है जिसमें कार्यक्रम होता है, यहां तक अभी आप देखिएगा थोड़ी देर जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे मेहमान लोग, मंत्रीगण लोग भी पहुंचते हैं और बहुत मजा लिया जाता है इस मैच का। आमतौर पर ये मैच रात में होता है, दूधिया रोशनी में खेला जाता है। आरसीए के इस मैदान पर देखिए बहुत बढ़िया इंतजाम है, आरसीए का ये ऑफिस भी नया यहां पर तैयार हो रहा है, लेकिन जो मैच है वो एक सद्भावना का मैच है और सभी के रिलेशन अच्छे हो, मजबूत बॉन्डिंग हो, खबरों से परे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इसके लिए है, आपने अभी देखा कि श्रम और रोजगार मंत्री टीकाराम जूली बॉल कर रहे थे, उन्होंने बहुत श्रम किया लेकिन हमारे साथी खिलाड़ी फील्डर्स को ज्यादा रोजगार नहीं दे पाए, बॉल को अलग अलग कोनों में नहीं पहुंचा पाए। साथी सौरभ भट्ट हैं हमारे, अब सौरभ जी से बात करेंगे। सौरभ जी, किस तरह के मैच का ये लुत्फ है, क्योंकि पत्रकार और विधायक गण? अभी तो फिलहाल शुरुआत है मैच की, हमारे खिलाड़ी भी अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। हमारे साथी और मौजूद हैं मीडियागण, उनसे भी बात करेंगे, किस तरह का आज मैच खेल रहे हैं। देखिए, मैच साल भर में एक बार होता है, बजट सत्र के दौरान होता है और एक तरीके से ये औपचारिकता इस बात के लेके होती है कि कम से कम एक जगह पत्रकार और तमाम जो अधिकारी है, विधायक है, वो जुटे, क्योंकि पहला मैच है तो काफी दबाव में भी है पत्रकार चाहे विधायक कि इसको जीतना है, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आगे फतेह तक पहुंचने में काफी आसानी भी होती है, तो यही हमारी कोशिश है कि इस मैच को जीते। आप क्या सोचते हैं, मैच जीत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि पिछले बार आरएस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था? देखिए, जीत से ज्यादा जरूरी है कि आपस में पत्रकारों में एक डिसिप्लिन बनता है खेल के नाम पे और प्रैक्टिस के नाम पे और प्लस संबंध अच्छे होते हैं, आप
काफी क्लोज जाते हैं इस तरह के, काफी क्लोज जाते हैं। दिनेश डांगी जी भी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, सुबह से आप प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत ज्यादा। ललित जी, ये अच्छी बात है क्योंकि आप भी लगातार खेल को कवर करते हैं, और एक अच्छी बात है कि खेल मंत्री जो अशोक चांदना है वो भी यहाँ मौजूद है और पत्रकार भी मौजूद है। राजस्थान में खेल के लिए कई बातें की जाती है, लेकिन हकीकत क्या है, मैदान किस तरह का है, प्लेयरों को क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये एक अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, बरकरार है विधायक और पत्रकारों के बीच। क्योंकि खेल सरकार जिस तरह निरोगी अभियान को बढ़ा रही है, तो स्वस्थ रहना किसी की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। तो ये एक अच्छा मैच यहाँ पर शुरुआत हुई है। एक अच्छा मैसेज भी है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद है। मनीष, पैड वैड बांध के बैठे हैं, बैटिंग आपको लगता है कि क्या स्कोर लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर स्कोर हम बड़ा अचीव करेंगे, और ये खेल भावना है। खैर, आपने कहा और मेरी बैटिंग भी आ गई है। पहला विकेट मीडिया ने अपना यहाँ पर गंवा दिया है। आप देख सकते हैं कि जो कार्तिक है, कार्तिक लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज थे, वह उनका विकेट यहाँ गिर चुका है, बोल्ड हुए हैं, और पहला विकेट विधायक गण को जो टीम है उनको मिल चुका है। सुमित, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मैच होता है। हर साल इस मैच को हम कवर करते हैं, हम देखते हैं कि विधायकों के बीच जो विधायक यहाँ पर खेलते हैं, इसके साथ ही आरएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आरपीएस अधिकारी हैं, जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके बीच में ये मुकाबला होता है, और बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ देखने को मिलता है। 8 मार्च को इस मुकाबले का फाइनल जो मैच है वह आयोजित होगा। पिछली बार की अगर बात की जाए तो एक यंग युवा टीम ने यह मुकाबला जीता था। प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी थे उन्होंने यह मुकाबला जीता था। अब देखना होगा कि इस बार यह मुकाबला कौन जीतता है। ललित, अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहां पर पहुंचेंगे और जो कई बड़े चेहरे हैं, मंत्री हैं, वो भी यहां पर पहुंचेंगे, अब इस वक्त जो मैच है उसमें कौन कौन जो है विधायकों की तरफ से उतरा हुआ है? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि विधायकों की ओर से इस समय मैदान में दो तो मंत्री मौजूद हैं, टीकाराम जूली यहां पर मंत्री जो हैं वह मौजूद हैं, इसके साथ ही खेल मंत्री अशोक चांदना। खेल मंत्री अशोक चांदना को आप देख सकते हैं कि विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, और टीकाराम जूली इस मैच की कप्तानी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मैच काफी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे 7 बजे से जो विधायक गण थे वे लगातार यहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। सुमित, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि जो टीम है विधायकों की वह टीम इस प्रकार है। वेद प्रकाश है, टीकाराम जूली है, मंजीत चौधरी हैं, अशोक चांदना हैं, रफीक खान हैं, राजकुमार, गोपीचंद मीणा, रोहित बोहरा, छगन पुरोहित, गोपाल मीणा और बलवान पुनिया इस टीम में खेल रहे हैं। इसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनके भी यहाँ आने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही अगर बात करें, यानी रोमांच जो है ललित, कहा जा सकता है कि पूरा इस मैच में रहने वाला है। विधायक और पत्रकार अमूमन जो है आमने सामने होते हैं सवालों को लेकर, लेकिन आज बैट और बॉल के जरिए आमने सामने है। देखना है कि इस मैत्री मैच में कौन बाजी मारता है। आपके पास अपडेट के लिए आते रहे।